बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे एक्चुअली हम बैठे हुए थे और मुझे याद दिलाया उस दिन अरिबा, तो भतीजी हमारी और कॉलेज बंद है तो आजकल हमारे पास है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं कोरोना वायरस को एक्चुअली, तो क्योंकि हम बहुत मजे कर रहे हैं। तो इन्होंने याद दिलाया कि इंटरव्यू में आपने कहा था कि अब हम एक रूटीन वर्क में बच्चों को स्टोरीज भी सुनाया करेंगे, तो आज फिर इन्होंने कहा एक स्टोरी सुनाइए। तो पहले मैंने बहुत सोचा कि कौन सी स्टोरी करें, फिर मैंने कहा जरा बच्चों को कुछ थोड़ा हम हंसाएं, आज फर्स्ट स्टोरी है, लेसन भी मिलेगा स्टोरी में और आप लोगों को। तो आप लोग रेडी हैं फिर स्टोरी के लिए? यस ओके, आप रेडी हैं? स्टोरी सुननी है आपने, मुंह से बोले ना, जोर से बोले, बोले बोले यस। अच्छा स्टोरी आपने कौन सी सुननी है, कॉमेडी सुननी है या रोने वाली या हंसने वाली? हंसने वाली। अच्छा ओके, तो आज आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तीन फ्रेंड्स, तीन दोस्त थे और तीनों दोस्त जो थे उनमें से ये याद रखिए कि एक जो था क्रिश्चियन था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। तो तीन दोस्त और तीनों गांव में रहते थे, बहुत पुरानी स्टोरी है। उस जमाने में ना गांव में ये गाड़ियां वगैरह नहीं हुआ करती, तो गाड़ियां वगैरह नहीं थी, तो तीनों ने ऊंची ऊंची ना डस्टबिन में फेंकने के लिए रखा, बहुत नीट एंड क्लीन बच्चा हमारा। अच्छा तो फिर वो तीनों दोस्त जो थे वो कहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम ना गांव में कोई जॉब नहीं मिल रही, तो चलो हम अगले विलेज चलते हैं, वहां पे हम कोई जॉब करते हैं। वो बड़ा टाउन सा था, तो विलेज गांव और कस्बा जो है देहात, जो कस्बा होता है हम टाउन कहते हैं, विलेज से बड़ा और सिटी से छोटा। उन्होंने कहा वहां पर जॉब मिल जाएगी, तो तीनों दोस्त ने क्या किया, क्योंकि लंबा सफर था, दो दिन लगते हैं वहां तक पहुंचने में, तो तीनों ने ऐसे किया कि अपने अपने घर से ना उन्होंने खाने पीने का सामान लिया, कि गरीब थे पैदल जाना था, तो उन्होंने सामान लिया और सामान लेके वो रवाना हुए। तो जब चल पड़े सुबह सवेरे सवेरे निकले, तो मुसलमान जो था, क्योंकि मुस्लिम था, उसने कहा ऐसा करते हैं, देखो तीनों ने साथ सफर करना है, तो अगर हम सामान खाने का जो है तीन अलग अलग बास्केट से, तो अगर हम तीनों सामान एक जगह पे जमा कर लें तो क्या होगा, तो मुस्लिम क्या कहते हैं, इकट्ठे खाना खाने से क्या होती है, बरकत। क्या होती है, बरकत होती है। तो उसने कहा कि हम मिला लेंगे खाना तो बरकत होगी, तो हमारा ज्यादा खाना हमें मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मिलके खाना चाहिए ना, मिलके खाना चाहिए कि अलग खाना चाहिए, अलग। आप अलग खाती हो कि मिलके खाती हो? सबसे अलग खाती हो। अच्छा आप अमीर अमीर लड़की हो ना बड़ी, इसलिए। अच्छा तो तीनों ने ना अपना खाना जो था वो मिक्स कर, मिक्स करके पहले दोपहर आई, दोपहर को खाना खाया, फिर शाम आ गई, शाम को भी तीनों ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, अगला दिन सुबह नाश्ता भी किया। जब सेकेंड डे हुआ ना रात को, तो अब रात को जब उन्होंने दस्तरखान लगाया खाना खाने के लिए, तो उसमें इतना खाना था कि अगर एक आदमी खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, और अगर तीनों खाएंगे तो तीनों को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो तीनों ही भूखे रहेंगे। अब सुबह उन्होंने ना उस गांव में पहुंच जाना था, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि तीनों ने फैसला किया कि हम सो जाते हैं और रात को जो सबसे अच्छा ख्वाब दिखेगा ना, सबसे मजे का इंटरेस्टिंग ख्वाब, सुबह ये खाना उसको हम गिफ्ट में देंगे और वो बैठ के नाश्ता कर लेगा जबरदस्त अकेले, और बाकी दो शहर पहुंच के खा लेंगे। तो तीनों ने डिसाइड किया और सो गए। अब एक प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम होते हैं ना, हिंदू भी थोड़ी देर बाद सो गया और खराटे लेने लगा, और क्रिश्चियन था वो भी सो गया। अब जो मुस्लिम होता है ना उसको भूखे पेट नींद नहीं आती। आप लोग देखिए ना, कई दफा ऐसा होता है बच्चों कि आप लोग ही कभी कोई फरमाइश होती है, जैसे अब ये कॉलेज वाला बच्चा है ना, तो अरिबा जैसे आए और घर आके कहे आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है ना, और मैंने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो पापा इलियास जो इसके हैं वो क्या कहेंगे, जो स्मार्ट हैंडसम हमारे इलियास भाई हैं वो फौरन क्या कहेंगे, वो कहेंगे कोई जरूरत नहीं है किसी फ्रेंड के घर जाने की, देर हो जाती है, मगरब के बाद लड़कियों को घर से नहीं निकलना, ऐसे ही है ना। तो फिर अरिबा क्या करेगी, अरिबा कहेगी बस मेरी कोई बात नहीं मानता, और फिर अरिबा अपने कमरे में घुस के लॉक करेगी। फिर इलियास भाई बाहर से कहेगी अरिबा आओ ना गुड़िया खाना खा लो, नहीं खाना खाना मुझे, और नाराज खाना नहीं खा। इसी तरह जैसे तुम बोलोगी पापा मेरी फ्रेंड के पास ना इतना प्यारा ड्रेस था मुझे लेके दे, पापा कहेंगे कोई जरूरत नहीं अभी ड्रेस लेके दिया ना, तो तुम भी नाराज बोलोगी मैं खाना नहीं खा रही, बाबा कहेंगे अच्छा मत खाओ, तो नाराज हुई।
अब जब खाना खाए बगैर रात को बच्चा सोता है ना, हमारा मुस्लिम बच्चा, तो आधी रात को फिर उसके पेट में जो है ना गुड़ गुड़ स्टार्ट। और फिर क्या करता है वो, आधी रात को उठता है और फ्रिज में सब सोए होते हैं ना, कहते किसी को पता नहीं चलेगा, और कुछ ना कुछ खाने को ढूंढता। तो वो जो हमारा मुस्लिम दोस्त था ना, हिंदू भी सो गया क्रिश्चियन भी सो गया, अब उसको नींद ना आई भूख की वजह से। थोड़ी देर तो वो करवटें बदलता रहा बदलता रहा, फिर उसने क्या किया, वो उठा और उसने वो पूरा पैक खोला जो सालन पड़ा था और रोटियां थी, उसने वो पूरा बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छी तरह खाना खा के उसको बंद किया टिफिन को, टिफिन बंद किया और आराम से खराटे लेके सो गया। अब सुबह हुई, सबसे पहले हिंदू साहब जागे, फिर थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन भी जागे, अब मुसलमान साहब तो पेट भर के सोए थे, खराटे ही खराटे ले रहे, सोए दरख्तों के नीचे सोए छांव में। कोई 9-10 का टाइम हो गया, अब क्रिश्चियन कहता है भाई इसको उठाओ, हिंदू ने कहा नहीं नहीं इसको उठाना नहीं, अगर इसको जगाया और ये अभी ख्वाब देख रहा हुआ तो फिर तो ये तो लड़ेगा हमसे कि भाई ख्वाब पूरे ही नहीं होने दिया। थोड़ी देर बाद कोई आधे घंटे बाद मुस्लिम साहब ने अकड़ाइयां ली और उठ के देखा दोनों बैठे इंतजार में। बोला क्या हुआ तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे? उन्होंने कहा यार ख्वाब बुलाओ। अच्छा अच्छा पहले बोला कौन जागा था वो ख्वाब सुनाए? तो हिंदू साहब ने कहा पहले मैं जागा। बोला अच्छा तुम ख्वाब सुना। हिंदू ने कहा ऐसा ख्वाब सुनाना चाहिए ना कि ये दोनों हार जाए उससे। तो हिंदू ने कहा तुम्हें पता है रात को ना मेरे ख्वाब में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे। बोला अच्छा? बोला हाँ प्रॉफिट दाऊद आए थे और वो मुझे ख्वाब में चौथे आसमान की सैर कराने लेके, वहां पे सोने के महल और नहरें और आबशारें और फ्रूट और दरख्त और हरे भरे और सब। उन्होंने कहा अच्छा ये? अब उसने कहा मैं तो चौथे आसमान भी चला गया हूँ तो मैं तो जीत जाऊंगा। हिंदू ने सोचा। अब क्रिश्चियन की नंबर आया, क्रिश्चियन ने बोला फिर मेरी आंख खुली। क्रिश्चियन बोला क्रिश्चियन साहब आपने क्या देखा? तो क्रिश्चियन साहब कहते हैं कि मैंने देखा, उसने कहा मुझे इससे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। फिर उसने सोचा अगर मैं पांचवें आसमान पे गया छठे पे गया तो मुसलमान सातवें पे चला जाएगा। तो उसने कहा रात को ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो है ना हजरत ईसा को जीसस कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा हजरत प्रॉफिट ईसा आए और मुझे ना ईसा अलैहिस्सलाम ले गए सातवें आसमान। उसने कहा सातवें के बाद तो कोई आसमान ही नहीं है ना, मुसलमान कहाँ जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो सातवें आसमान पे गए और खूब घुमाया 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 और मैंने वहां महल देखे हीरे लगे हुए, और मेरे मैं अपने मम्मी बाबा से भी मिला जो फौत हो गए थे, और रिश्तेदारों से मिला, बड़ा एंजॉय किया और फ्लां किया, और फिर भी यहाँ। अब मुस्लिम को बोला, बोला हाँ भाई मुस्लिम साहब आपने क्या ख्वाब देखा? मुस्लिम साहब जो थे वो रोने शुरू हो गए जोर जोर से, खाना तो खा चुके थे, वो खूब रोए रोए रोए। उन्होंने कहा अच्छा यार, क्रिश्चियन ने कहा अच्छा भाई हिंदू आ गया मैं जीत गया, तू रो नहीं, मैं तुझे ना अपने खाने में से थोड़ा सा दे दूंगा, तू रो नहीं। उसने कहा नहीं मेरे भाइयों मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो बोला किस लिए रो रहे हो? बोला असल में तुम दोनों रात को सो गए थे तो मैं भी सोया, जैसे ही मैं सोया हूं मेरी आंख लगी ना तो किसी ने मुझे जोर की लात मारी। बोला अच्छा फिर? बोला मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा ना जिन खड़ा हुआ, और उस जिन ने मुझे बोला कि बेवकूफ आदमी खाना पड़ा हुआ है तू खा क्यों नहीं रहा? तो मैंने उसको बताया कि भाई हम दोस्तों की शर्त लगी है, जो अच्छा ख्वाब देखेगा तो वो खाना खाएगा। तो बोला उस जिन ने कहा एक शर्त मैं भी तेरे से लगाता हूं। मैंने कहा लगा लो। तो उसने कहा अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं तुझे खा जाऊं। जिन ने ये शर्त लगा ली। तो उसने कहा अच्छा भाइयों फिर ना जान किसको प्यारी नहीं होती, तो मैंने क्या किया भाइयों, अब देखो ना मौत आ रही थी जिन मुझे खा जाता, इसलिए तुम लोग नाराज ना होना भाइयों, खाना तो मैंने रात को ही खा लिया था जिन के डर से। खाना क्या किया था? खाना रात को ही खा लिया। अब वो दोनों ने उसको कहा बेवकूफ आदमी हम सोए थे हमें जगा देता, हम तीनों मिलके जिन को मार देते। उसने कहा भाइयों क्या करता, मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी लेकिन तुम में से एक जो था हजरत दाऊद के साथ चौथे आसमान भी गया हुआ था और एक सातवें आसमान भी गया हुआ था, तुम लोग आवाजें दी मगर तुम लोग मेरी मदद को आए नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि इत्तेफाक से रहना चाहिए और किसी दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? धोखा नहीं। तो आपको कहानी मजे की लगी?
आपको गाली में क्या अच्छा लगा? खाना खा लिया बस। लेकिन आप ये मुझे बताओ, आप अलग बैठ के क्या क्यों खाती हो? अरे तैबा, पहले आप बताओ, आपको कहानी में क्या अच्छा लगा? कुछ मजा आया? क्या मजा आया? अच्छा, जिन वाले। और अरीबा, आपको कुछ कहानी में कुछ मजा आया? बच्चों की कहानी थी लेकिन आपके लिए तो नहीं थी, लेकिन आप इसी को देख के हंसती रहेंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो कैमरा ऑफ करें फिर हम सब। इनको पहले ये कहेंगे, आप बोलो ना इनको कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जोर से बोलिए ना, एंड प्रेस बेल आइकॉन। और आप भी बोल देना जरा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल। शायद साहब आप प्लीज जरा एंड कर देंगे हमारा, क्योंकि हमारी मूवी हो गई है। और एक मिनट ना, तो अब बहुत सी स्टोरीज आने वाली है, बहुत सी स्टोरीज। अगली स्टोरी मैं भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन मेरी अब सारी स्टोरीज आएंगी इंग्लिश में। और अगली स्टोरी अरिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, वो सुनाएंगी। फिर तैबा भी हमें एक स्टोरी सुनाएगी, आप सुनाएंगी। सो प्लीज, अगर आपको अनिश्वा की स्टोरी सुननी है तो सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। बेल आइकॉन पर जाएंगे तो जैसे ही अगली स्टोरी आएगी मजे की, तो आपको फौरन इंटीमेशन हो जाएगा कि योर फैमिली चैनल वालों ने स्टोरी अपलोड कर दी है, और फौरन हमें स्टोरी देखनी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।